मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, बातें होंगी बहुत सारी दिल की। दिल हमेशा कुछ न कुछ कहता रहता है। कभी कभार हम दिल की बातें सुनते हैं, कभी हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। कहते हैं कि जब कभी आप रिश्तों में सोचें, रिश्तों के बारे में सोचें, तो दिल की सुने। मिर्जा गालिब ने कहा है, मसरूफ रहने का अंदाज तुम्हें तनहा न कर दे गालिब। रिश्ते फुर्सत के नहीं, तवज्जो के मोहताज होते हैं। किसी और ने कहा है, कोई हालात नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता, ये तो बस अपनी अपनी समझ है। कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब नहीं समझता। दोस्तों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है ना? अब देखिए ना, धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो। धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। वो सितारा है चमकने दो, वो सितारा है चमकने दो, यूं ही आंखों में क्या जरूरी है उसे जिस्म बनाकर देखो। पत्थरों में भी जुबां होती है, दिल होते हैं। अपने घर की दरो दीवार सजाकर देखो, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। वो मिले या ना मिले, हाथ बढ़ाकर देखो। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, मगर उनमें एक फर्क होता है। शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलतफहमी से। काश कि लोग समझ सकें कि रिश्ते बनाना असल बात नहीं, बल्कि असल बात उन रिश्तों को निभाना होता है। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या दुख है अगर उसे कोई भी न देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या दुख है अगर कोई भी उसे न सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या दुख है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल न कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वो पुरानी जगह जैसी होगी, यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। दोस्तों, दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ और उद्देश्य मिलता है। Am I right, friends? इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पे किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए ये समझना जरूरी है दोस्तों, कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पे कैसा असर डाल रहे हैं, क्योंकि संबंध मैजिकल होते हैं, जादुई होते हैं। दोस्तों, इसलिए मैंने कहा, काश कि लोग समझ सकें कि रिश्ते बनाना असल बात नहीं, बल्कि असल बात उन रिश्तों को निभाना होता है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, मां और बेटी जुहू बीच पे वॉक कर रहे थे। वॉक करते करते बेटी ने मां से पूछा, हाउ डू यू कीप लव अलाइव? प्यार के रिश्ते को हमेशा कैसे जिंदा रखें, कैसे बनाए रखें? मां ने बेटी की तरफ देखा और कहा, बेटी, अपनी हथेली में मुट्ठी भर रेती लो और उसे जोर से दबाओ। टेक सम सैंड इन योर हैंड एंड स्क्वीज इट हार्ड। बेटी ने मुट्ठी भर रेती उठाई, हथेली में रखकर उसे दबाया। जितना ज्यादा जोर से दबाती, उतनी तेजी से रेती उसकी हथेली से छूट जाती। बेटी ने कहा, पर इस तरह तो रेत हाथों से निकलती जा रही है मां। मां मुस्कुराई, बिल्कुल बेटी, अब हाथ पूरी तरह खोल दो। बेटी ने अपना हाथ
खुला छोड़ दिया और बाकी बची हुई रेती भी हवा में उड़ गई। बेटी ने मां से कहा, इस तरह हाथ खुला रखकर भी तो मैं रेती हाथ में नहीं रख सकती मां। अब मां ने बेटी से कहा, अब दोबारा थोड़ी सी रेती उठाओ और अपना हाथ आधा खुला रखो, एक चम्मच की तरह, लाइक अ स्पून। हाथ इतना बंद कि उसे बचा सके और हाथ इतना ही खुला कि वो उड़ न जाए। बेटी ने यही तरकीब करके देखी और देखा कि रेती उसके हाथ में बनी रही, हवा उसे उड़ा न सकी। दोस्तों, रिश्ते भी इसी तरह हैं। अगर आप अपने रिश्ते बनाए रखना चाहते हैं तो इसी तरकीब को अपनाइए। रिश्ते मुफ्त नहीं मिलते, मुफ्त तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी तब आता है जब एक सांस छोड़ा जाता है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवान। दोस्तों, घर परिवार का रिश्ता कुछ ऐसा ही होता है, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, कभी नोक झोंक और कभी मान मनोबल। इतना ही नहीं, कभी घात प्रतिघात, कभी षड्यंत्र और कभी एक दूसरे के हितों के लिए जान तक दे देने का जज्बा। ये जज्बा सिर्फ कहने सुनने तक ही सीमित नहीं होता दोस्तों, व्यवहार में भी दिखता है ना दोस्तों। शायद इसीलिए रिश्तों के संबंध में आम भारतीय कहावत है, खून हमेशा पानी से गाढ़ा होता है। फैमिली रिलेशंस को, पारिवारिक रिश्तों को सहेजने समेटने की सोच हमारी परंपरा में ही रही है और यही वजह है जो भारत में औद्योगिक क्रांति के बहुत बाद तक परिवार का अर्थ ज्वाइंट फैमिली से, संयुक्त परिवार से लिया जाता रहा है। कई पीढ़ियों के लोग एक छत के नीचे एक साथ सिर्फ रहते ही नहीं रहे हैं, सभी सबके सुख दुख को अपना सुख दुख समझते रहे हैं। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, क्या रिश्तों में पर्सनल स्पेस जरूरी है? दोस्तों, किसी भी रिश्ते में अपनों को पर्सनल स्पेस देना बहुत जरूरी है। समय के साथ लोग अपने संबंधों को लेकर अवेयर हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। इसी वजह से आजकल रिश्ते में पर्सनल स्पेस देने की बात कही जाती है। पर्सनल स्पेस का मतलब क्या है? पर्सनल स्पेस का मतलब है खुद के लिए समय निकालना, अपनी सेहत और भावनात्मक जरूरतों पर ध्यान देना। अच्छी जिंदगी के लिए ये बहुत जरूरी भी है। जब रिश्ते निभाने की वजह से व्यक्ति को खुद के लिए समय नहीं मिलता तो कुछ समय बाद उसके मन में अपने जीवन के प्रति असंतुष्टि की भावना पनपने लगती है। अपने रिश्ते को टूटने से बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि लोग दूसरों की निजी जिंदगी में दखलअंदाजी ना करें, हस्तक्षेप ना करें, खुद आजाद रहें और दूसरों को भी आजादी दें। दोस्तों, आप ही सोचें, क्या रिश्तों में पर्सनल स्पेस जरूरी नहीं है? मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवान। दोस्तों, रिश्ते निभाने पड़ते हैं, रिश्ते नाजुक होते हैं। दोस्तों, कभी कभी आपकी जुबान से अनजाने में अदा किए गए अल्फाज सामने वाले पे सदियों का बोझ छोड़ जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि रिश्तों की रस्सी तब कमजोर होती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब भी खुद ही बना लेता है? दोस्तों, तभी तो मिर्जा गालिब और इकबाल दोनों के ख्याल अलग अलग हैं। मिर्जा गालिब कहते हैं, उड़ने दो इन परिंदों को आजाद फिजा में, गालिब जो तेरे अपने होंगे वो लौट आएंगे। और इकबाल कहते हैं, ना रख उम्मीद वफा किसी परिंदे से, जब पर निकल आते हैं तो अपने भी आशियाना भूल जाते हैं। रिश्ते नाजुक होते हैं, रिश्तों को निभाना पड़ता है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज
सुशील गजवान। दोस्तों, तेरी खुशियां अजीज हैं मुझको, तेरी खुशियां अजीज हैं मुझको, तुझसे हारूं तो जीत जाता हूं। दोस्तों, रात का समय था, 10:30 थे और एक नर्स अपने हॉस्पिटल के बाहर पोर्च में खड़ी थी, किसी का इंतजार कर रही थी। एक मिलिट्री जीप आती है, उसमें से एक नौजवान सेकंड लेफ्टिनेंट उतरता है। नर्स दौड़कर उसे लेने जाती है और फिर उस सेकंड लेफ्टिनेंट को आईसीयू में ले जाती है। आईसीयू में एक पेशेंट है, 85-90 साल का एक मरीज, बहुत सीरियस हालत में है। वो नर्स उस मरीज के बहुत करीब जाती है और उनसे कहती है, आपका बेटा आ गया है। तो वो मरीज शायद सुन नहीं रहे, तो नर्स दोहराती है, आपका बेटा आ गया है, आपका बेटा। उसके बाद क्या होता है, मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, नर्स उस सेकंड लेफ्टिनेंट को उस मरीज के पास ले गई, उनसे कहा, आपका बेटा आ गया है। वो सेकंड लेफ्टिनेंट उस आदमी के पास, उस मरीज के पास बैठ जाता है, उनका हाथ पकड़ लेता है और उनसे आहिस्ता आहिस्ता बड़े प्यार से बातें करने लगता है। रात बीतने लगती है, गहरी रात हो जाती है, मरीजों के कराहने की आवाज, मशीन चलने की आवाज, कहीं पे नर्सिस का आहिस्ते से बोलना, ये माहौल में एक अजीब सी, एक मायूसी पैदा करता है। लेकिन वो नौजवान सेकंड लेफ्टिनेंट अपने उस मरीज से बातें कर रहा है, उनकी हिम्मत बना रहा है, कुछ न कुछ उनके कानों में कहता है। कभी कभार वो नर्स आकर उनसे कहती है कि वो चाहें तो ब्रेक ले सकते हैं, कुछ चाय पी सकते हैं, तब तक वो उस मरीज का ख्याल रखेंगे। लेकिन सेकंड लेफ्टिनेंट मना कर देता है और उस मरीज का हाथ पकड़े हुए बहुत प्यार से, दिल से उनसे कुछ ना कुछ कहते रहता है। और फिर सुबह हो जाती है, 5:30-6 बज जाते हैं। सेकंड लेफ्टिनेंट और उस मरीज के रूहानी रिश्ते पे बातें बहुत सारी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, वो सेकंड लेफ्टिनेंट उस मरीज से रूहानी बातें करता रहा और फिर सेकंड लेफ्टिनेंट को महसूस होता है कि अब वो मरीज नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो वहां से उठता है और नर्स के पास जाता है और उसे कहता है कि उस मरीज की मृत्यु हो गई है। तो नर्स को जो करना चाहिए वो करती है, वो अपना कर्तव्य निभाती है और जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो करती है। उसके बाद वो सेकंड लेफ्टिनेंट के पास आती है और उसे कहती है कि आई एम सॉरी कि आपके पिता की मृत्यु हो गई, आई एम सॉरी, मुझे दुख है कि आपके आपके पिता का निधन हो गया। तब वो सेकंड लेफ्टिनेंट नर्स की तरफ देखता है और पूछता है, कौन था ये आदमी? सेकंड लेफ्टिनेंट का ये सवाल नर्स को चौंका देता है, कौन था ये आदमी? मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, नर्स ताज्जुब में पड़ जाती है, चौंक जाती है, चकित हो जाती है और कहती है, वो आपके पिता थे, ही वॉज योर फादर। तब सेकंड लेफ्टिनेंट कहते हैं, मैं उनको जानता तक नहीं,
मैं इससे पहले इन्हें कभी मिला ही नहीं, मैं उनको जानता ही नहीं। तब नर्स उनसे पूछती है, तो फिर आपने मुझे ये बताया क्यों नहीं? तब सेकंड लेफ्टिनेंट जवाब देते हैं, जब आप मुझे आईसीयू में रात को ले गई तब मुझे एहसास हुआ कि अब उनकी आखिरी घड़ी आ गई है और उनको इस बात का पता नहीं चलेगा कि मैं उनका बेटा हूं या नहीं। और मैंने सोचा कि मैं अगर उनको ये सुकून दे दूं, उनको ये तसल्ली दूं कि उनका बेटा उनसे मिलने आया है तो क्यों नहीं। इसलिए मैं सारी रात उनके पास रहा, उनको ये एहसास दिलाता रहा कि मैं उनका बेटा हूं, ताकि उनकी आत्मा को, उनकी रूह को सुकून मिले। दोस्तों, खून के रिश्तों के अलावा भी रिश्ते होते हैं, दिल के रिश्ते, आत्मा के रिश्ते, रूहानी रिश्ते। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी, और इस फौजी के सेकंड लेफ्टिनेंट के दिल ने एक ऐसी बात की जो रूहानी रिश्तों को नई बुलंदियों तक ले गई। सेकंड लेफ्टिनेंट ने उस मरीज को यह एहसास दिलाया कि वो ही उनका बेटा है। यह सुनकर नर्स की आंखों में आंसू आ गए और उसने सेकंड लेफ्टिनेंट से पूछा, तो फिर आप यहां क्यों आए थे? तब उस सेकंड लेफ्टिनेंट ने कहा, मैं यहां पे एक मरीज को एक खबर देने आया था। नर्स पूछती है, कौन मरीज, क्या खबर थी वो? तब सेकंड लेफ्टिनेंट कहते हैं, मैं यहां के एक मरीज दौलतराव पाटिल को यह बताने आया था कि कल उनका बेटा अजय पाटिल युद्ध में शहीद हो गया। तब नर्स ने क्या कहा, मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी, और फिर सेकंड लेफ्टिनेंट ने उस नर्स से पूछा कि क्या वो वहां के एक मरीज दौलतराव पाटिल से मिल सकते हैं? तब नर्स ने कहा, जिस मरीज की आपने सारी रात हिम्मत बंधाई, उनके जज्बातों को निखारा, वही थे दौलतराव पाटिल। दोस्तों, रिश्ते खून के रिश्तों के अलावा भी एक रिश्ता होता है, इंसानियत का रिश्ता, दिल का रिश्ता, जो उस सेकंड लेफ्टिनेंट ने निभाया। इंसान अपने जज्बातों के जरिए अपने रिश्तों को किस रूहानी हद तक ले जा सकता है, ये सेकंड लेफ्टिनेंट ने साबित कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।